हिंदुओं की आस्था पे हमला है, इसलिए सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो, इनाम बोल करके उनका एनकाउंटर हो, असली एनकाउंटर इनका होना चाहिए। ये लोग जो यहाँ के लोकल जो मुसलमान हैं उनको भी पकड़वाने में सहयोग करना चाहिए। दो चार लोकल हो सकते हैं, ज्यादातर इसमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे। मैं लगातार बोलता आया हूँ, पुलिसिंग घर में शाम को शराब पी के सो जाने से नहीं होती है। पुलिसिंग के लिए, पुलिसिंग के लिए इसको निश्चित तौर पर जो हुआ है वो बहुत ही खराब है। एक एक हिंदू आक्रोशित है, अगर हिंदू खड़े हो गए, यहाँ का मुसलमान तो सारा भगवान राम को मानने वाला है, ये सारे मुसलमान कहाँ हैं? ये तो बेचारे इनके बलात्कार से बचने के लिए, धन लूटने से बचने के लिए बन गए, तो ये नहीं कर सकते। बाहरी मुसलमान है और इनके साथ लोकल कोई मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, एनकाउंटर होना चाहिए। नहीं तो यहाँ जैसे ही यहाँ समाज निर्णय लेगा, हिंदू समाज जो निर्णय लेगा, हिंदू जो समाज के संगठन निर्णय लेंगे, जो आर पार की जंग होगी उसके लिए फिर तैयार रहे। नहीं, यती जी से मुलाकात नहीं हुई है, मैं तो पूजा पाठ करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ रात का जो वीडियो भी था, यहाँ मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों लोग प्रतिदिन आते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, लेकिन ये तकलीफ की बात है कि मंदिर पे पत्थर फेंके गए, भगवानों के खिलाफ नारे लगाए गए, आपत्तिजनक नारे लगाए गए। तो जब मंदिर पे हमला करने आए थे तो ऐसे जो शांति दूत हैं तो उनको मारना नहीं चाहिए था क्या? नहीं, अगर दस, भाई बताइए, दस लोग थे तो वीडियो में क्या वो वीडियो खराब था? वीडियो फेंकता क्या? पुलिस का वीडियो देखा मैंने, तो उसमें तो 2000 से ज्यादा लोग थे और सारे के सारे एक जगह इकट्ठे आए। हमारे एक कार्यकर्ता बीएस तोमर को जहां मारा गया वहां भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। बीएस तोमर की जहां हत्या की गई वहां इकट्ठे हुए और वहां आपत्तिजनक नारे लगे, वो शायद आपके पास नहीं है, वो पूरी प्लानिंग से आए थे मंदिर पे साधुओं को मारने के लिए। हो सकता है मंदिर पे भी कहीं ना कहीं मूर्तियों को कहीं खंडित करते, कौन जिम्मेवार होता? तो पुलिस की ड्यूटी थी कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए था। अरे भाई, ये हम यहाँ मंदिर की बात करने आए, हम बहन जी की बात नहीं करने आए, ये हमला मंदिर पे, हम यहाँ मंदिर के लिए आए हैं। आप हमारी बात को पहले क्लियर समझ लो, महंत जी ने जो कहा पुलिस ने उसमें FIR की है, लेकिन मंदिर पे हमला करना, ये यहाँ कानून से चलेगा देश। ये कोई सीरिया नहीं है, अफगानिस्तान बांग्लादेश नहीं है, यहाँ की पुलिस मजबूत है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी, महंत जी ने जो कहा उस पर FIR होगी। उसके बाद ये हमला, ये मंदिर किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी एक का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के मानने वाले भगवान परशुराम जी ने यहाँ पूजा की है, माँ काली का मंदिर है, पांडवों ने पूजा की है। तो ये हमला मंदिर पे किया गया है, ये मंदिर पे हमला इसलिए, जिन्होंने हमला किया उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगे, ऐसा हम कर देंगे या पुलिस कार्रवाई करे। नहीं, दंगे कौन से भड़क जाएंगे? ये दंगा ही तो सर आत्मा, जो अगर नहीं कार्रवाई हुई है, क्या चूड़िया पहने बैठे लोग? ये लोग जो बैठे हैं सनातन धर्म को मानने वाले, हम संवैधानिक पद में हैं, मर्यादा में बात कर रहे हैं। अगर मर्यादा लांघनी पड़ी धर्म के लिए, माता रानी और महादेव ने इस बड़ी घटना को टाल दिया, अगर ये पता चल जाए तो लाखों लोग चारों तरफ से घेर करके बवाल हो जाता। हम तो चेता रहे पुलिस को कि इनका एनकाउंटर हो, बार बार मना कर रही है कि मंदिर पर कोई हमला नहीं है। वो तो आपने भी देखा है, आपने नहीं देखा क्या? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, आपने देखा नहीं क्या? मैं झूठ बोल रहा हूँ? आपके ही वीडियो है जो वहां से भीड़ आई है, जो नारेबाजी हुई है, कोई पत्थर फेंक रहा है, ये सारी दुनिया ने देखा है। तो वो वीडियो गलत है, या तो यहाँ भजन करने आए होंगे, सारा का सारा हो सकता है कि उनका मन बदल गया हो कि हम महाराणा प्रताप के वंशज है, दोबारा से नवरात्रों में अपने आप को बदल लेना चाहते हैं, वो हो सकता है पूजा करने आए हो आपके अकॉर्डिंग।